खुदा के बनाए हुए इस दुनिया में मुख्तलिफ रंगो नस्ल मजाहिब और अकायद रखने वाले लोग बसते हैं और अपने मजहब कल्चर अकीदे के मुताबिक त्यौहार की तरह मनाते हैं। लेकिन आज जिस त्यौहार के बारे में हम आपको मालूमात फराहम कर रहे हैं वो अपने मिजाज का एक अनोखा त्यौहार है, हेलोवीन। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बुतों को लिबास ज़ेब-ए-तन करके एक दूसरे को डराया जाता है। ऐसे खाने और मशरूबात तैयार किए जाते हैं जिन्हें देखकर इंसान खौफज़दा हो जाए। तो आइए जानते हैं कि इस त्यौहार हेलोवीन की तारीख क्या है। हेलोवीन अमरीका में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तारीख दानों का कहना है कि हेलोवीन का सुराग कबल अस मसीह दौर में बरतानिया के इलाके आयरलैंड और शुमाली फ्रांस से मिलता है, जहां सल्तक कबाइल हर साल 31 अक्टूबर को ये त्यौहार मनाते थे। उनके रिवाज के मुताबिक नए साल का आगाज 1 नवंबर से होता था। मौसमी हालत के बाइस उन इलाकों में फसलों की कटाई अक्टूबर के आखिरी दिनों में खत्म हो जाती। नवंबर से सर्द और तारीख रातों का आगाज हो जाता। सर्दियों के मौसम को ये कबाइल मौत के अयाम से भी मंसूब करते थे, क्योंकि अक्सर अमवात इसी मौसम में हुआ करती थी। उनका अकीदा था कि नए साल के शुरू होने से पहले की रात यानी 31 अक्टूबर की रात को जिंदा इंसान और मरने वाले इंसानों की सरहद को खोल दिया जाता है और रूहें इस दुनिया में आकर इंसान माल मवेशियों और फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। इन रूहों को खुश करने के लिए सेलेक्टल कबाइल 31 अक्टूबर की रात आपके बड़े बड़े अलाव रोशन करने, अनाज बांटने और जानवरों की बलि चढ़ाते। इस मौके पर जानवरों की खालें पहनते और अपने सरों को उनके सींगों से सजाते। आज के दौर में लोग इस रात को खास किस्म के खाने बनाते हैं और उनको खौफनाक तरीके से भी सजाया जाता है। इन सब चीज़ों को बनाने का मकसद अपने प्यारों की रूहों का खैरमकदम करना था। उन लोगों के नज़दीक इस रात जहां अच्छी रूहें ज़मीन पर आती थीं, वहीं बदरूहें भी ज़मीन पर आती हैं। उनके नज़दीक बदरूह वो है जो लोग किसी भी करबनाक मौत का शिकार बने, कत्ल हुए, जलकर मरे या किसी एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये कोई भी वो शख्स जो अपने मुकर्रा वक्त से पहले ये दुनिया छोड़ गया हो, वो इस दिन दुनिया में आ सकता है और अपने साथ बुरा करने वालों से बदला भी ले सकता है। ऐसी रूहों से बचने के लिए ये लोग मीठा कद्दू पर अजीबोगरीब शक्ल बनाकर उसमें मोमबत्तियां रोशन कर देते हैं और इन पंपकिंस को अपने घरों के बाहर रख देते हैं ताकि कोई भी बुरी ताकत उनके घर में दाखिल ना हो सके। अमरीका दरियाफ्त होने के बाद बहुत से यूरोपीय बाशिंदे यहाँ आके रिहाइश पजीर हुए और वो अपने साथ अपनी सकाफत, रस्म रिवाज और त्यौहार लेकर आए। कहा जाता है कि शुरू में हेलोवीन मैरीलैंड और जनूबी आबादियों में छोटे पैमाने पर मनाया जाता था। 19वीं सदी में बड़े पैमाने पर लोग जो यूरोप से आकर अमरीका में आबाद हुए, जिनमें एक बड़ी तादाद आयरिश बाशिंदों पर मुश्तमिल थी, उनकी आमद से इस त्यौहार को बड़ा फरोग मिला और शोहरत हासिल हुई। और उस वक्त के साथ साथ कई नई नई चीज़ें भी शामिल होती रहीं, जिनमें ट्रैक और ट्रेड जो आज इस त्यौहार का सबसे अहम जुज है। ट्रैक और ट्रेड का मकसद ये था कि या तो हमें कुछ खाने के लिए दो या हमारी किसी शरारत के लिए तैयार हो जाओ। इस सूरत में घर के मकीन उन्हें टॉफियां और चॉकलेट देकर घर से रुखसत कर दिया करते थे। आज के इस दौर में उसने बहुत मकबूलियत हासिल कर ली है और आजकल ये त्यौहार तकरीबन पूरी दुनिया में ही मनाया जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान में भी कुछ सालों से इस त्यौहार को मखसूस तबका मनाता है। आज इस त्यौहार को बतौर एंटरटेनमेंट सेलिब्रेट किया जाता है। इस रात बड़े पैमाने पर पार्टीज का इंतजाम भी होता है। इस रात खास तौर पर हेलोवीन के सिलसिले में मुकाबले भी मुनक्किद किए जाते हैं जिनमें मुख्तलिफ ग्रुप्स शिरकत करते हैं और जो सबसे ज्यादा खौफनाक दिखाई दे और डरा देने वाली हरकत करे वो फातह करा दिया जाता है। हेलोवीन अब अरबों डॉलर के कारोबार का एक बहुत बड़ा सकाफती त्यौहार बन चुका है। I'm good. How are you? You tell. What are you doing here? Shopping for the Halloween? Yeah, I'm shopping for Halloween. Gonna go out with some friends, get some candy. And what's the costume? What kind of a costume you're buying? Oh, I don't know. I think I'm gonna go with maybe King of Egypt for school. Oh, what's so special about it? Well, we're studying Egypt in class right now, and I don't know. I feel like it'd be a lot of fun to go there with my friends and have fun with my teachers. All righty. Okay, great. Okay, thank you. No problem. Hello, hi. Hi. You have done with your shopping for Halloween? We're starting today. And what are your plans? Sorry? What are your plans? We're going to just give out candy, I think, this year. And is there any specific reason for that?
No, we haven't done it in a long time. It's been quite a while since we've given out candy. So, yeah, just hoping to do it this year. And what was your last plan? What was your last theme for the Halloween? What was the last? You don't remember? I don't remember. Yeah. Yeah, I don't even remember. Why? You celebrated, right? Yeah. I think because of, like, pandemic, we didn't really, like, do anything. Yeah, like, you should just stay in and watch movies or something. Alrighty, okay. Yeah. So this time you'll have your own day, all in at your home. Yeah. Any friends invited or no? Or just you two? We're not sure yet. I haven't decided. Yeah. Very last minute. Okay, thank you. Yeah. Enjoy. Right. Bye. Thank you. Bye. Hi. Hi. What are you doing here? Buying something for the Halloween? Yeah. What exactly? We're looking for you look like a French Charles to me. I'm trying to find a bald cap. Uh huh. But I don't know if there's any here. Why? Where did you go to find out? Huh? Will you go somewhere else to find out? We're gonna keep on looking and hopefully find one. Okay, and you'll be calling up your friends for the Halloween party, or you'll be celebrating all alone? Maybe I'm gonna be wearing this to school, like something like a mask to school. So where are your friends for the day? Huh? Where will be your friends for the day? You're not inviting any friends for the Halloween party? No, we're not gonna really have a party this year. Oh, why? I don't know. We might. Okay, thank you. Okay.